केरला में रैश ड्राइविंग के केसेस बहुत ज़्यादा कॉमन होते नज़र आ रहे हैं, और 10 में से 2 एक्सीडेंट रिसेंटली जो चैनल पर व्यूअर्स रिपोर्ट कर रहे हैं उनमें से वो केरला के देखने को मिले हैं। केरला में बस ड्राइवर भी काफ़ी रैश चलते देखे गए, और अपनी सेफ्टी के लिए आपको खुद कंट्रोल स्पीड पर चलना ज़रूरी है। आलातूर केरला से एक ऐसा ही एक्सीडेंट सामने आया है जहाँ मेजर एक्सीडेंट में एक कॉम्पैक्ट एसयूवी और बस इन्वॉल्व हुए। ये एक हेड ऑन कोलिजन था जहाँ बस पर भी सामने से अच्छी खासी डैमेजेस देखी जा सकती हैं, साथ ही कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी डैमेजेस हैं। यहाँ टक्कर के बाद गाड़ी में शायद आग भी लग गई, जिस वजह से इसको बुझाने के लिए AFF फोम का इस्तेमाल किया गया, और सड़क पर फैला हुआ फोम आप वीडियो में देख सकते हैं। गाड़ी यहाँ ह्यूंडई वेन्यू है जिसने एक अच्छा परफॉर्मेंस इस एक्सीडेंट में दिखाया है। साइड और फ्रंट से मेजर डैमेजेस आने के बाद भी गाड़ी के पिलर्स ठीक दिखते हैं और केबिन भी इंटैक्ट दिखाई देता है, एयरबैग्स यहाँ खुल गए हैं। लकीली यहाँ 2 वुमेन जो वेन्यू में थी उनकी जान बच गई कुछ इंजरीज के साथ। ह्यूंडई वेन्यू ने अभी तक एक्सीडेंट में मिक्स परफॉर्मेंस दिखाई है, और ह्यूंडई को इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी शायद वेन्यू थोड़ी कंट्रोल स्पीड पर रही हो जिस वजह से पैसेंजर यहाँ बच गए, और बड़ी गाड़ियों से दूरी बनाकर एक कंट्रोल स्पीड पर चलना ज़रूरी है, ताकि ये गलती अगर बड़ी गाड़ी वाला कर भी रहा है तो आपकी सेफ स्पीड के चलते आपकी और आपकी फैमिली की सेफ्टी इंश्योर हो सके। आप क्या क्या सोचना है वेन्यू की बिल्ड क्वालिटी और इस एक्सीडेंट के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल द टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।